न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को चलो पूछ ले किस में रब की रजा है रब की रजा है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फैज़ मदीना मस्जिद नॉर्थ कराची में तशरीफ़ फरमा होते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपकी कॉल्स और SMS के ज़रिए जो सवालात हमें मौसूल होंगे इंशाअल्लाह सिलसिले का हिस्सा होंगे। बिलखसूस आप कुर्बानी से मुतालिक, कुर्बानी के जानवर से मुतालिक, उसके गोश्त से मुतालिक, कुर्बानी के जानवर की खालों से मुतालिक, उसके ज़बहा करने से मुतालिक जो है वो सवालात हमारे सिलसिले में पूछ सकते हैं। दीगर मामलात में भी अगर आप पूछना चाहें अपने कारोबार के हवाले से, निकाह तलाक के हवाले से, इबादात से मुतालिक, तो आप हमसे राबता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करेंगे। इब्तिदाअन दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का कुर्बानी के मसाइल से मुतालिक रिसाला अबलग घोड़े सवार, इसके सफ़ा नंबर 1 पर हदीस पाक मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की आदत मुबारका है कि अपनी तकरीबन तमाम ही कुतुब का आगाज़ हमद व सलात के बाद दुरूद पाक से मुतालिका फजीलत पर मुश्तमिल जो हदीस पाक होती है उससे फरमाते हैं। इसी तरह अल मदीनतुल इल्मिया से भी जो कुतुब शाया की जाती है उसमें से भी अक्सर व बेशतर कुतुब ऐसे ही इब्तदा के साथ हमें मिलती हैं। तो इसके सफ़ा नंबर 1 पर हदीस पाक मौजूद है। सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आफियत निशान है, ए लोगो बेशक बरोज़े क़ियामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में मुझसे दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुर्बानी के जानवर की खाल, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है इसकी खाल के हवाले से। जो भी मामलात होते हैं, किसी को देनी है तो ये भी एक काम है, अपने इस्तेमाल में लानी है तो ये भी एक काम है उसको संभालना। और एक और भी काम किया जाता है कि बाद लोग कुर्बानी की खाल को बेच देते हैं, किसी इदारे को देनी है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम पूछेंगे आपसे इस सिलसिले में, किसी और में ख़ुद इस्तेमाल करने के हवाले से क्या हुक्म शरई है वो भी पता चल जाए। लेकिन बेचने के हवाले से कि अगर कोई चाहे कि मैं इसको सेल कर दूँ, रेट्स भी अच्छे मिल रहे होते हैं और लोग ख़रीदने भी आ जाते हैं, जैसे कि हम आम दिनों में कोई जानवर ज़बह करवाते हैं किसी भी हवाले से घर में, तो उस जानवर की खाल बिक जाती है, कसाब ही ख़रीद लेते हैं, तो क्या कुर्बानी के जानवरों की खालें भी बेची जा सकती हैं? अच्छा, बिलफर्ज कोई ऐसी सूरत है कि कोई लेने वाला ही नहीं, लेने ही नहीं आता, कोई गांव देहात में किसी दूर दराज में है, तो क्या अब कोई सूरत मिलेगी इजाज़त की बेचने के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल आपने अच्छा किया है और आम तौर पे लोग इस कुर्बानी की खाल को दीनी कामों में सर्फ करने के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल करने की एक सूरत ये होती है कि मस्जिद में डायरेक्ट वो कुर्बानी की खाल दे दी जाती है, मस्जिद इंतज़ामिया भी कलेक्शन कर रही होती है खालों की, मदारिस के तलबा उनको, तो इस तरह के उमूर में आम तौर पे मुसलमान या किसी गरीब नादार को वो खाल दे देते हैं। तो एक तरीका तो खाल के इस्तेमाल का ये है, तो ये बिला शुबा एक अजर व सवाब हासिल करने का एक ज़रिया है कि हमारी कुर्बानी भी अदा हो गई, तो उसकी खाल है, उस खाल का एक बेहतरीन मसरफ ये हुआ कि हमने अल्लाह तबारक व ताला की राह में ख़र्च करने के ये मुख्तलिफ ज़राए, इनमें से किसी एक को अपना कर हमने उसमें अपनी खाल को पेश कर दिया। अच्छा, एक तरीका खाल बेचने के हवाले से
इसकी दो सूरतें हैं, नियत पे डिपेंड करता है आदमी की कि ये खाल बेच क्यों रहा है। अगर खाल बेचने का मकसद ये है कि अब मैं मस्जिद इंतज़ामिया के पास खाल लेके जाऊंगा, जैसे बाज़ मस्जिदें जहां ज़रूरत है लेकिन कोई वहां इंतज़ामिया का फ़र्द नज़र नहीं आ रहा कि जिसको खाल हवाले की जाए, तो अब ये खाल रखे रखे यहां ज़ाया ना हो जाए, तो अब ये कोई खाल ख़रीदने वाला कोई भी फ़र्द है उससे ये बारगेनिंग करके खाल उसको बेच देता है, और उसकी नीयत ये है कि ये खाल की हासिल होने वाली रकम मैं मस्जिद में दूंगा या मदरसे में दूंगा, या मैं किसी गरीब की मदद करूंगा। अब मैं किसी गरीब को खाल दे दी, अब वो खाल उठाए फिरेगा और बेचने जाएगा तो एक मुशक्क़त वाला काम है, तो इससे बेहतर है कि मैं अब खुद जाकर या अपने किसी मुलाजिम के ज़रिए खाल बिकवा दूँ, और जो खाल बिक जाएगी उसकी हासिल होने वाली एक एक रुपए की जो भी कीमत है वो किसी गरीब को दे दूँ, किसी मस्जिद में दे दूँ, किसी मदरसे में दे दूँ। तो अगर ये इन कामों में सर्फ करने के लिए खाल को बेचा जा रहा है तो खाल का बेचना भी जायज़, और उससे हासिल होने वाली जो भी कीमत होगी, पैसे होंगे, रुपए होंगे, तो उनको इन कामों में सर्फ करना भी बिलाशुबा जायज़ काम है। ठीक है। हाँ, अगर खाल के ज़रिए तमव्वुल पाया गया, तमव्वुल से मुराद होता है उसको माली एतबार से उसके ज़रिए आदमी मालदार हो जाए, पैसे हासिल कर ले, तो अब ये सूरत जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अब कोई चाहता है कि मैंने इतनी कुर्बानी कर ली तो अब उसकी जो खाल है तो मेरी मिल्क, इसको बेच देता हूँ, बेच कर जो रुपए पैसे आएंगे वो अपने गुजर औकात में काम आ जाएंगे, कसाब को मैं उजरत दे दूँगा। ठीक है, तो अब ये जो अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कि अपने घर के अंदर काम आ जाएंगे रुपए पैसे, या कसाब को उजरत में देने में काम आ जाएंगे, या मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं उनके अंदर देने में काम आ जाएंगे, तो इस सूरत में अगर ये बेच रहा है तो ये बेचना भी नाजायज़, और इससे हासिल होने वाली जो कीमत है रुपए पैसे इनमें तसर्रुफ करना भी नाजायज़, यानी इन पैसों को उजरत में देना भी नाजायज़ है, या आगे किसी भी अपने ज़ाती काम में लाना था वो काम में लाना भी नाजायज़ है। इस रकम का अब हुक्म होगा कि ये रकम इसके हक़ में मिलके खबीस है, नापाक किस्म का माल हो गया। ठीक है, तो अब इसको लाजिम है कि ये सदका करे, और ये सदका इसके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि करना ही करना, ये सदका करना होगा, और सदका वाजिबा के जो मखसूस मसारिफ हैं तो उन्हीं में इसको सर्फ किया जाएगा, जैसे किसी शरीफ फ़कीर को ये दे दें। ठीक है, अब ये रकम जो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने के लिए खाल बेची तो हासिल होने वाली रकम ये मिलके खबीस हुई, ये अब मस्जिद में नहीं दे सकता। अच्छा, वैसे खाल मस्जिद में चली जाती, वैसे खाल मस्जिद में डायरेक्ट भी जा सकती थी, मस्जिद में खाल के पैसे देने के लिए खाल को फरोख्त किया, हासिल होने वाली रकम वो भी मस्जिद में जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर अपनी कमाई मकसूद नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की राह में देना ही। अब देना डायरेक्ट भी हो सकता था और उसकी शक्ल सूरत रुपए पैसों में बदलने की सूरत में भी हो सकता था, लेकिन अपने इस्तेमाल में लाने के लिए खाल को फरोख्त किया है और फरोख्त किया है रुपए पैसों के बदले में, तो ये बेचना जायज़ नहीं है, या ऐसी चीज़ के बदले में बेचा है जो ख़त्म हो जाती है। मसलन उसने खाल देकर आटा ख़रीद लिया, गंदम ख़रीद लिया, इसमें जायज़ नहीं है। ऐसी चीज़ के बदले में बेच सकता है कि जिसको बाकी रख कर नफ़ा उठाया जाए, उसकी सूरत यह है। मिसाल के तौर पे कोई चाहता है कि मैं खाल ऐसे फ़र्द को बेचूं कि जिसके ज़रिए जिसके पास बर्तन होते हैं, बर्तन बनाता है, तो मैं उसको खाल देकर बर्तन हासिल कर लूँगा और बर्तन को अपने घर में इस्तेमाल में लाऊंगा, तो बर्तन ये इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें, तो इस सूरत में एक जवाज का पहलू निकलता है। लेकिन आमतौर पे लोग इस तरह साजो सामान के बदले में खालों को फरोख नहीं करते, जो एक जवाज की सूरत है, लोग ये वाली सूरत अपना लेते खाल हैं, खाल को फरोख करके अगर अपने इस्तेमाल में लाने की नीयत से बेचा है तो जायज़ नहीं। ठीक है, अब यह है कि किसी को दे दिया, किसी गरीब को खाल दे दी, अब वो गरीब उस खाल को अपने ज़ाती इस्तेमाल में वैसे ही बिछाने के जाए नमाज बना ले, या जो भी उसका खाल का सफाई सुथराई करने के बाद इस्तेमाल है वो कर सकता है, चाहे तो वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने के लिए खाल फरोख्त करे तो
तो उसके लिए जायज़ है क्योंकि हमने उसको दे दी, उसको दे दी, ये हमारी तरफ से सदका हो गया, वो उसका मालिक हो गया, तो हमें इस खाल के ज़रिए जो एक अजर व सवाब हासिल होना था वो हासिल हो गया। अब वो मालिक हो गया, वो शरीफ फकीर जिसको हमने खाल दी है, वो अपने इस्तेमाल में लाने के लिए चाहे रुपये पैसों के बदले में उस खाल को फ़रोख्त करें या बर्तन के बदले में फ़रोख्त करें, वो जिस तरह चाहे कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उजरत कुर्बानी की खाल दे दी जाए, फिर वैसे ही जानवर ज़बह किया घर में अकीके के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वैसे गोश्त का उसूल भी मकसूद होता है, बड़ी फैमिलीज होती हैं तो वो छोटा मोटा बकरा ज़बह करवा लेती हैं, तो अब वो खाल हासिल हुई तो वही दे दी जाए उजरत के तौर पर। बाज़ लोग ये करते हैं, यह शरण जायज़ नहीं है। अच्छा, कि कुर्बानी की खाल या अकीके के जानवर की खाल, इसको है, बतौर उजरत कसाब को नहीं दे सकते। सही, हाँ, वैसे उजरत जो तय थी 2,000-3,000 जो भी छोटे बड़े जानवर के हवाले से कसाब की उजरत बनती है वो उनको दे दी। अब कसाब है गरीब आदमी, ठीक है, अब उसकी मदद करने की नीयत से अगर खाल उसको दी जा रही है उजरत से हट कर उजरत में शामिल ना हो, यानी ये ना हो कि भाई आपकी कितनी कसाब की क्या उजरत है, वो कहता है 5,000 रुपये, अब ये कहता है कि मैं खाल भी तुम्हें दूंगा, आप कितनी लोगे, 4,500, तो वो 4,500-4,350 जो भी तय करता है, तो अब ये खाल का उजरत में जाना तय हो रहा है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, उजरत जितनी बनती है वो उसको दे दी, अब ये खाल का क्या करें, तो खाल उसको बतौर इयानत और मदद के तौर पे देना चाहिए, तो बतौर उजरत नहीं। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि अब बाबुल मदीना कराची है, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ तो इदारे मौजूद हैं, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की खालें जमा करती हैं, और भी दीनी इदारे, दीगर लोग भी कर रहे होते हैं, अगर कोई ऐसा दूर देहात गाँव है कि चंद ही लोग रहते हैं और किसी ने अपनी बकरी, किसी ने कोई और जानवर ज़बह कर दिया और खाल लेने वाले यूँ नहीं है, बेचने से आपने मना कर दिया है, तो अब क्या इस वजह से कि लेने वाला तो है नहीं, ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं करना तो बेच दे, अब अगर बेचना है तो उसमें फिर क्या नियत करे? कोई लेने वाला कोई गरीब नहीं है तो वहाँ राय खुदा में बहुत सारे मसारिफ तो होंगे। ठीक है, अब उसमें जैसे मसाजिद हैं, मदरसे हैं, तो उनको बेच कर दे दे रकम, या डायरेक्ट दे दे, या उनको देने की नियत से बेचे, ठीक तो है, अब ये जो रुपए पैसे हासिल होंगे तो ये इनको बतौर तआवुन राय खुदा में देने के हवाले से दे सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहूँगा कि मस्जिद के हवाले से आपने इरशाद फरमाया कि खाल जो है ना मस्जिद में दी जा सकती है, अच्छा, मसाजिद ऐसी हैं कि उमूमन मसाजिद को चंदा मिलता है, हफ्तावारी भी लोग देते हैं, बॉक्स भी लगे होते हैं, और कई तो ऐसी मसाजिद भी होती हैं कि वहाँ लोगों के बंदे होते हैं और वो इतना दे रहे होते हैं, तो अगर ऐसी मस्जिद है कि जहाँ वैसे ही चंदा आ जाता है और पड़ोस में एक मदरसा भी है, उसके ऐसे मामलात नहीं, क्योंकि वहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने नहीं आता कि उसको हर जुम्मे को वहाँ चंदा देता हो, कहीं और से भी डोनेशन की तरकीब अगर नहीं होती है, तो क्या ऐसी सूरत में बेहतर तरीका क्या है मसाजिद वालों के लिए, मदरसे वालों के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें इस चीज़ को फोकस किया जाए कि ज़्यादा ज़रूरत और हाजत किसको है। ठीक है, तो अगर मस्जिद बिल्कुल फारिगुल बाल है इस एतबार से कि मस्जिद के जुमला मामलात चलाने के लिए जो अखराजात हैं वो मुख्तलिफ लोगों से, या जुमा वगैरह के, या मंथली जो चंदा बॉक्स होता है उसके खुलने से, वो सारे मामलात क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और मदरसे के अंदर माली एतबार से इस वक्त ज़रूरत और हाजत है, तो दीनी मामलात में अब चूंकि मस्जिद के को देने के मुकाबले में यहाँ हाजत ज़्यादा पाई जा रही है, तो मुसलमानों को चाहिए ऐसे मौके पे दीन की तरवीज व इशाअत, चूंकि मदरसे के वहाँ हाजत और ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहाँ पर देकर ये ज़्यादा अजर व सवाब कमा सकते हैं। ठीक है, कि यूँ मदरसे में देने में ये भी फ़ायदा होता है कि उलमा अहले इल्म तबका होता है, इल्मे दीन हासिल करते हैं, और फिर इल्मे दीन हासिल करके ये आगे लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो यूँ एक इल्म की बात वो सीना बसीना आगे तक चलती रहती है, तो एक ये सूरत यहाँ ज़्यादा अगर हाजत पाई जा रही है तो फिर मस्जिद के मामलात अगर मुकम्मल हो रहे हैं तो मदरसे को दे दिया जाए, या मदरसा ख़ुद कफ़ील है कि वहाँ मुकम्मल तौर पे हर तरह की, मतलब मुख्तलिफ दीनी जहन रखने वाले लोगों की तरफ से मंथली बंधा हुआ है, मस्जिद अभी बन रही है, साल हर साल होगा अभी तक वो उसकी तामीर है, जेर तामीर है, तो यहाँ अगर हाजत ज़्यादा महसूस होती है तो यहाँ, तो जहाँ ज़्यादा हाजत हो उसको फोकस किया जाए। ठीक है, उसको फोकस करना चाहिए, और ये भी आखिर में इरशाद फरमा दीजिए कि अगर मस्जिद के लिए ही खाले जमा करनी है या मदरसे के लिए, और मदरसे के साथ भी मस्जिद मौजूद है, तो खाले रखनी कहाँ हैं,
कमेटी के अफराद जमा करना शुरू कर दी, तो इसके हवाले से भी कुछ मदनी फंड। हाँ, इसमें अच्छा सवाल किया कि बास मसाजिद के इंतज़ामिया ये खाल जमा करती हैं, जज्बा है, अच्छा है, एक दीनी मामले में लोगों से एक तआवुन की सूरत है, गोया ये अपील कर रहे होते हैं कि इस राह खुदा में के अंदर मस्जिद को भी अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर भी सर्व करें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर इस ऐसी जगह खालों को ना रखा जाए कि जहाँ खाल आम तौर पे उसमें से खाल में से खून गिर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे मस्जिद की किसी भी ऐसी जगह पे खाल ना रखें। मस्जिद में तो रख ही नहीं सकेंगे, जहाँ नमाज में तो पढ़ी नहीं रख जाती सकते, वहाँ तो ना वुजू खाने पे रख सकते हैं। ठीक है, तो फिनाए मस्जिद का वो हिस्सा कि जहाँ से मस्जिद की तरफ मतलब कोई गंदगी स्मेल, वगैरह स्मेल ना आती हो, ना पहुँचे, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और आजकल वैसे ही थोड़ा बारिशों के मौसम चल रहे हैं, तो इन मुमकिन है अय्याम कुर्बानी में भी बारिश कुछ हो रही ऐसा है। बारिशों का सिलसिला हो, तो ऐसी जगह खाल ना रखें कि जहाँ से खून बह रहा हो और लोग वहाँ से चल कर मस्जिद के वजू खाने में जा रहे हों और यूँ फर्श नापाक हो रहा हो। ठीक है, तो आम तौर पर जो कुर्बानी की खाल उसमें जो लगा हुआ खून होता है वो नापाक होता है, ठीक है, क्योंकि अब ज़बह होने वाले जो भी धार खून की निकलती है दमे मसफू नापाक है। और आम तौर पे जो कुर्बानी करने वाले हैं कसाब, तो वो उसी जगह खाल को बिछा देते हैं, तो ठीक कहीं ना कहीं खाल पे खून लगा हुआ होता ठीक है। है, तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, या मस्जिद इंतज़ामिया को चाहिए कि मस्जिद की हदूद में आने से पहले ही बाहर के साइड ही कोई ऐसा अपना स्टॉल वगैरह लगा थोड़ा लें, सा दूर रखें। थोड़ा दूर मस्जिदों रखें। के आगे उमूमन मैदान भी होते हैं हाँ, तो हमारे उस यहाँ। जगह पे कोई ऐसा अपना पॉइंट बना लें कि जहाँ पे लोग मस्जिद की खालें जमा कर रहे हों, और साथ ही साथ ये खालें फिर बिकती भी रहें ताकि ठीक है ज़्यादा देर तक रखने की सूरत में खाल ख़राब ना हो जाए। ठीक है, और अच्छे अंदाज से अहतमाम करना चाहिए। और खाले जमा करने के हवाले से बिलखसूस दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन मदनी तहरीक के लिए, दावत इस्लामी के लिए खाले जमा करते हैं या और किसी भी इदारे के लिए करते हैं, ये अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है अबलग घोड़े सवार। इसमें 6 सवालात मौजूद हैं मुख्तलिफ नौईयत के, जिनमें खाल जमा करने से मुतालिक भी सवाल और जवाब मौजूद हैं। किन किन एहतियातों को पेश नज़र रखना है, खाल कब जमा करनी है दावत इस्लामी के लिए और कब छोड़ देनी है, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि एक अच्छा काम है, मुस्तहब काम है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर इसको गुनाह के साथ किया जाएगा तो फिर सवाब मिलना दूर की बात है, गुनाह का इर्तिकाब ना कर बैठें। तो ये सारे मदनी फूल जो कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाए, जो इस रिसाले के अंदर मौजूद हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया अपने मदनी मुजाकरों में दीगर मौके पर जो इरशाद फरमाते रहे, ये सारी बातें मुबल्लिगीन के पेश नज़र होनी चाहिए और उनको दोहराना भी चाहिए और उन पर अमल की नीयत भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन के अहकामात के मुताबिक कुर्बानी करने और दीगर मामलात को सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। कॉल हमारे पास मौजूद हैं, पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, अगर मरहूम वालिद ने तरके में दुकान छोड़ी और इसकी मालियत 30 लाख रुपए हो और वरसा में 3 बहनें और 5 भाई और 1 वालिदा और 1 भाई इस दुकान में अपना कारोबार करते हैं, तो क्या 70 कुर्बानी वाजिब है या सिर्फ भाई पर या किसी पर नहीं? जी, बज़ाहिर लग रहा है कि अभी तकसीम नहीं हुई है, लेकिन सबकी मालियत तो बनती है। अभी 30 लाख रुपए इन्होंने जी जी बयान किया है, और इस पे सवाल वालदा, वालदा से मुराद बेवा होंगी, और 5 भाई 3 बहनें और तीन गलत। बहनें, इनसे मुराद ये होगा कि मैयत के जो 5 बेटे और जी जी 3 बेटियां हैं। तो अगर मैयत के जिनका ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर उनके वालदेन, मैयत के वालदेन अगर हयात ना हो, तो फिर वुरसा में ये अफराद ये वारिस बनेंगे। बनेंगे। तो अब इनका जो सवाल है कि माले तिजारत 30 लाख रुपए का है, तो अगर वो माले तिजारत को इसी कंडीशन में जारी रखना चाहते हैं, तो माले तिजारत का जो पर हेड हिस्सा जो भी शरिया हवाले से बनेगा, तो बेवा का 8वां हिस्सा होता है, ठीक है, तो औलाद होने की सूरत में। तो अब यहाँ पे 30 लाख में इनकी वालदा के पास ये तकरीबन तकरीबन कोई 4.25 लाख, 3.5 लाख इसे से तीस लाख को ऊपर, 800 में तकसीम हाँ, तो किया ये जाए तो तकरीबन साढ़े तीन लाख से ऊपर ठीक है, बनेगा बन इनकी जाता है। वालदा की ठीक मिल्कियत है, में। और इनको देने के बाद जो बकिया हिस्से बचेंगे, तो वो तकरीबन 26 लाख कुछ जो बचेंगे, तो वो फिर तकसीम होंगे 5 बेटे और 3 बेटियों में, और बेटे को बेटी से डबल मिलेगा। ठीक है, तो यूँ अगर 26 लाख को हम देखें, तो ये
तो ये तकरीबन एक बेटी के हिस्से में आएगा 2 लाख से कुछ ऊपर, ठीक है, और बेटे के हिस्से में 4 लाख से कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब ये माले तिजारत में गोया बेटी के हिस्से में तकरीबन 2 लाख से कुछ ऊपर आ रहा है और बेटे के हिस्से में 4 लाख से कुछ ऊपर है, ठीक है। और इसी तरह बेवा का 8वां हिस्सा अगर निकालें तो वो भी 4 लाख के करीब करीब बन रहा है। तो अगर ये माले तिजारत को इसी कंडीशन में चलने देते हैं और इन सब की ये हाजत से ज़रूरत से फारिग भी है, ये माले तिजारत में लगा हुआ ये हिस्सा, और कर्ज़ वगैरह भी किसी पे नहीं है, या अगर है तो कर्ज़ की अगर अदायगी अगर वो अपने हिस्से में से कर भी दें तब भी इतना माल बचता है कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत या उससे ज़्यादा मालियत का माले तिजारत उसके हिस्से में चल रहा हो, जैसे मिश्रण 30-40 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये के करीब करीब चांदी का निसाब बन जाता है, 52.5 तोला चांदी की कीमत फिल वक्त। तो अब इस सूरत में अगर ये हाजत असलिया से जायद है, कर्ज़ वगैरह से फारिग है, तो जाहिर ये सूरत बन रही है कि इन सब ही पर बशर्ते के आकिल बालिग हों, ठीक है। तो मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं होता, कमाने ना कमाने का कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे इन्होंने कहा कि एक भाई अलग से अपना कारोबार कर रहे हैं, तो इस सूरत में तो कुर्बानी वाजिब हो सकती है, सारे बालिग होना जरूरी, अगर सब बालिग हैं, सब आकिल हैं, तो इन सब पर कुर्बानी हाजत असली और कर्ज़ वगैरह से फारिग होने की सूरत में जो हिस्से इनके बन रहे हैं, ये तो ओवरऑल जो समझ में आया वो बयान किया है, तो खाल यानी ख़ास तौर पे किसका कितने रुपए बन रहे हैं, या तो फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अगर ये रुजू करें या अपने शहर के मुस्तनद मुफ्ती साहब से रुजू करें तो वो बाकायदा बता देंगे 30 लाख में इस तरह से हर एक का हिस्सा होगा। तो जाहिर यह है कि अगर हाजत असलिया कर्ज वगैरह से फारिग रकम है तो इनके ऊपर सब पर आकिल बालिग होने की सूरत में कुर्बानी वाजिब होगी, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल एक सवाल का ये जवाब दिया है, अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो एक अलग सूरतें होंगी, तो ओवरऑल शायद हर एक का अलग अलग एतबार होगा, उसके कर्जों का अलग 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 एतबार होगा, ठीक है। तो मुफ्ती साहब, है ये माले तिजारत, तो माले तिजारत भी उन चीज़ों में से है कि जिसकी वजह से अगर वो निसाब के बराबर माले तिजारत हो, कर्ज हाजत असलिया वगैरह से जायद इतनी मालियत का माले तिजारत है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत या उससे जायद कीमत का हो, तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है, ठीक है। कुर्बानी किस पर वाजिब है, इसके हवाले से चंद दिन पहले दारुल इफ्ताह सुन्नत का फतवा भी एक वायरल किया गया था सोशल मीडिया पर, दारुल इफ्ताह सुन्नत का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर जाकर आप इस फतवे को हासिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें दारुल इफ्ताह सुन्नत के हवाले से वायरल होती हैं वो हमारे उनकी वेरिफिकेशन के लिए, तस्दीक के लिए कि वाकयातन ये फतावा या दीगर चीज़ें दारुल इफ्ताह सुन्नत ही की तरफ से हैं, वो हमारे ऑफिशियल पेज पर अपलोड कर दी जाती है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फतवा या कोई भी चीज़ ऐसी हो, क्योंकि प्रिंट करना, उस तरह की सूरत बना देना कंप्यूटर में कोई एक मुश्किल बात नहीं है, तो लोग कर देते हैं, तो इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाए, तो जो जो भी फतावा हम उसको हम करते हैं, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी लोगों तक पहुँचते हैं, दीगर ज़राए से भी हम वायरल करते हैं, आप उसको वेरीफिकेशन के लिए हमारे ऑफिशियल पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। तो हुज़ूर, ये इरशाद फरमाइए कि ज़कात के अंदर जैसा होता है कि जिसकी वजह जितना पैसा बढ़ता जाता है ज़कात उतनी ही उसकी बढ़ती जाती है, उतने ही ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो क्या इसमें कुर्बानी में भी यह है कि 40 हज़ार से तो अब शुरू हो रहा है कम उबेश, अब जिसके बाद जितनी रकम बढ़ती जाएगी उतना ही बड़ा जानवर या उतना ही महंगा जानवर लेना होगा, या इसमें करोड़ों पति अरबों पति वो एक बकरा भी ले सकता है और एक कम जिसके पास मालियत है वो महंगा जानवर भी ले सकता है, कोई इसमें भी हदूद व कयूद हैं क्या है ये? ज़कात के हवाले से तो ये अलग बात है कि 1 लाख रुपए पे जैसे 2,500 रुपये ज़कात बनेगी, अगर किसी के पास है ही 40 हज़ार रुपये तो उसमें 1,000 रुपये ज़कात बनती है। तो कुर्बानी के हवाले से ऐसा तो नहीं है कि जो अगर करोड़पति है तो वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का जानवर लाए, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं। अगर वो भी 9,500 रुपये अगर कहीं हिस्सा डल रहा है और वो भी उसमें इज्तिमाही कुर्बानी में 8.5 वाले भी चल रहे हैं, 7.5 वाले भी हैं, तो अगर कोई इस तरह 7.5-8 हज़ार रुपये में भी हिस्सा अगर शरीक हो जाता है अरबपति खरबपति, तो कुर्बानी का जो वाजिब है वो अदा हो जाएगा, हुक्म शरई उससे हुक्म शरई के हवाले से वो बिल्कुल अदायगी करने वाला शुमार होगा। अब ये अलग बात है कि लोग
बातें कसेंगे, कहेंगे अरबपति खरबपति वो हिस्से डाल रहा है, 7,500 वाले एक हिस्से में शमूलियत कर रहा है। तो देखें कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगी। सही, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी इबादतें, कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुरान पाक तो इसमें ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, तो इसके अंदर एक मुसलमान का ये जहन होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब लोगों को भी चाहिए कि अगर कोई, अगर भले कितना ही मालदार हो लेकिन अगर वो हिस्से में शरीक होता है तो लोग उस पर उंगली उठाने में हक बजानिब नहीं हैं, लोगों को ये अख्तियार नहीं है कि उस पर वोटिंग करें। ठीक है, तो इसलिए ये अलग बात है कि जानवर अगर किसी ने को अल्लाह तबारक व तआला ने माली वसअत अता की है तो अल्लाह ताला की राह में खुश दिली के साथ अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा जानवर जिसका गोश्त भी बेहतरीन हो, गोश्त भी ज़्यादा हो, जैसे फुकाए किराम ने डिफरेंस किया है कि अगर इज्तिमाई कुर्बानी में अगर कोई एक हिस्सा लेता है तो एक हिस्से में मिसाल के तौर पे नॉर्मल हमारे यहाँ जो आइडिया है वो 17-18 किलो ऐसे कुछ एक हिस्से में, मन का जानवर होता तो उसमें अगर एक हिस्से में 18 किलो अगर गोश्त आता है, इसके मुकाबले में वो अगर अच्छा सा बकरा लेता है जिसका गोश्त जो है वो 20 किलो आता है, ठीक है, तो बड़े जानवर के मुकाबले में छोटे जानवर का गोश्त ये ज़्यादा पसंद किया जाता है और महंगा भी है। और अगर ये दोनों वज़न के अतबार से यानी बकरे के अंदर निकलने वाला जो गोश्त होगा वो ज़्यादा वज़न का है तो बेहतर है कि बकरा कुर्बान करें, और अगर ये बकरे का गोश्त कम होगा और हिस्से में गोश्त ज़्यादा होगा तो फिर हिस्से में शमूलियत इख्तियार करें, यानी ये सूरत इख्तियार करें जिसमें गोश्त भी ज़्यादा हो और उम्दा हो। तो अब इसके लिए कोई अगर 3-3, 4-4, 5-5 लाख के भी और इससे ज़्यादा लाखों के भी जानवर बिक रहे हैं मार्केट्स में तो दिल पर सारा मामला है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वला कि यनालहु तक्वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा ये जानवरों की जो है ये चीज़ें नहीं पहुँचती, इनका जो खून है वो अल्लाह की बारगाह में, यानी इसकी कोई कबूलियत इनके का मेयार ये गोश्त और खून नहीं है, उम्दा गोश्त मेयार नहीं है, तो मेयार जो है वो तकवा और परहेजगारी है, लिल्लाहियत है, रज़ा इलाही का कसद इरादा है। तो बस वो इरादा करते हुए अगर कोई ज़्यादा महंगा भी जानवर ख़रीद लेता है या एक ही बकरा ख़रीदता है तो अगर रज़ाए इलाही अगर उस अमल में हासिल हो जाती तो बंदे के लिए इससे बढ़कर और क्या बात है, वरिद्वानु मिनल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की रज़ा मंदी सबसे बढ़कर है। ठीक है, सुभानअल्लाह। एक और कॉल चलाइए दूर। ये सवाल है कि कुर्बानी का जो जानवर होता है अगर उसको जरा सा भी कुछ जख्म हो जिस्म पर या कहीं पर भी हो जिस्म, तो उसका कोई फर्क पड़ता है कुर्बानी में? जरा सा भी जख्म हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उतारने में खराश जानवरों में आ जाती है, कुछ ना कुछ कट वगैरह लग जाते हैं, और आजकल जानवरों को जिस तरह भगाया जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो टकराते रहते हैं। तो अब यह है कि जानवर का बिल्कुल बेऐब होना ये सबसे अच्छी बात है कि जानवर में कोई उसकी खाल कहीं से छिली हुई ना हो, उसको कोई ज़ख़म फोड़ा वगैरह कुछ भी ना हो। सबसे बेहतर सूरत तो यह है कि यूँ एक बेऐब खूबसूरत सा अच्छा सा जानवर फरबा वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए। लेकिन अगर कोई इस तरह का जानवर फरबा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको कट लग गया, कोई ज़ख़म आ गया और उसकी इलाज वगैरह चल रहा है, उसकी ट्यूब वगैरह लगती रहती है, तो इस तरह का अगर कोई जानवर है जिसमें मामूली सा ऐब है तो ये मामूली सा ऐब कुर्बानी में रुकावट नहीं डालता, ठीक, कुर्बानी हो जाती है। ठीक है, कुर्बानी हो जाती है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मेरा नाम गुलाम मुशीदीन अत्तारी है, मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कुर्बानी के जानवर को घंटी बनाना, घंटी वाली लड़ी बनाना या छिनकरियाँ बनाना कैसा है? लड़ियाँ वगैरह किस तरह की चीज़ें पहना, इस जानवर की सजावट सजावट वगैरह जो की जाती है तो शरण ये जायज़ है। अलबत्ता ये कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस पे बोझ डाल देते हैं, तो इसका ख्याल रखें कि जानवर को इतना ज़्यादा वज़नी वो चीज़ उस पे ना डाली जाए। तो रहा ये कि जो इसके सजावट वगैरह के जो भी चीज़ें गोटे वगैरह ये सब चीज़ें लगी होती हैं, कोई लाल सा कपड़ा उस पे डाल देते हैं तो ये खूबसूरत सा लगता है, तो जायज़ है ये अमल, इसमें हरज नहीं है। ठीक है, मैसेज एक शामिल करते हैं सिलसिले में, ये पूछ रहे हैं कि कुर्बानी के लिए वकील बनाए जाते हैं
तो अगर किसी ने कुर्बानी का वकील बनाना हो तो उसका तरीका क्या है, क्या कहकर वकील बनाए किसी को, अपनी कुर्बानी किसी और के ज़रिए करवाना चाहता है। अपनी कुर्बानी किसी और के ज़रिए करवाना चाहता है तो इसकी एक सूरत यह है कि जैसे उसको अपना रकम भिजवा दी, ठीक है। जैसे अक्सर हमारे यहाँ पे ये करते हैं कि जो बाहर ममालिक में रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अपने घर पे वो अखराजात वगैरह भेज रहे होते हैं, साथ ही साथ घर का जो भी सरबरा जो उस वक्त घर का निगेबान होता है तो उनको वो ये कह दें कि ये मेरी तरफ़ से ये बकरे की रकम है, मेरी तरफ से कोई बकरा बकरी वो ख़रीद लीजिएगा, या इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर कोई एक हिस्सा मेरी तरफ़ से डाल लीजिएगा। तो इस तरह वो ये उसको ऑर्डर कर दे, अर्ज़ कर दे कि मेरा एक हिस्सा इज्तिमाई कुर्बानी में डाल दें और रकम ये है, तो वह रकम भी अपने इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो अखराजात भेज रहे होते हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई इस तरह वो वकील बना दें। जैसे इज्तिमाई कुर्बानी में अगर किसी का हिस्सा डल रहा है तो जाके ये कह दे कि फ़लाँ मकाम पर जो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से डल रहे हैं तो एक हिस्सा मेरा भी डाल लें, तो बाकी जो वहाँ डाल दो। तो इस तरह ये है कि आम तौर पे दावत इस्लामी में जिस तरह इज्तिमाई कुर्बानी होती है तो उसका एक पूरा एक वकालत नामा होता है, ठीक है। तो उस वकालत नामे में बहुत सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि अब एक हिस्सा अगर 9,500 रुपये 10,000 रुपये अगर कहीं चल रहा है तो वो 10,000 रुपये पूरा उससे जानवर नहीं लिया जाएगा, ठीक, उसका चारा, उसका जानवर के चारे हैं, जाने आने का जो ज़रूरी ख़र्चा है, इसी तरह अगर कोई टेंट लगता है उनके अखराजात, बाड़ों में चौकीदार को हवाले किया जाता है, वो सारे अखराजात ऐसे जो ज़रूरी समझे आते हैं तो वो एक हिस्से के अंदर ही किसी ना किसी जुज में वो अखराजात हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से वकालतनामे में दावत इस्लामी की तरफ से जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसमें काफ़ी डिटेल के साथ वो काम लिखे हुए हैं ताकि इज्तिमाई कुर्बानी में अगर कोई हिस्सा ले रहा है तो वो ये बिल्कुल पढ़ ले कि मेरे एक जानवर को मैं तो ये फारिग हो रहा हूँ कि एक हिस्से की 9,500 रुपये मैंने रकम दे दी, अब कोई लेकिन अब ये इज्तिमाई कुर्बानी करने वाला जो अमला है और बिलखसूस दावत इस्लामी के अंदर जो ये हम इज्तिमाई कुर्बानी किए जाते हैं तो इसके ज़िम्मेदारान ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी सबीलिल्लाह रज़ा इलाही के हुसूल के लिए सब काम कर रहे होते हैं। अब ये इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने वाला थोड़ा सा इस चीज़ को भी सामने रखे कि इनकी कितनी खिदमत हैं, ठीक है, कि मैं तो 9,500 रुपये देकर 10,000 रुपये दे के बिल्कुल मुतमईन हो गया कि मेरी तरफ़ से कुर्बानी हो जाएगी। अब ये रात दिन एक करके इन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ये सैकड़ों लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं इनका तहफ़ करते हैं और इस पर कोई प्रॉफिट भी नहीं है, कोई प्रॉफिट मदनी मरकज़ ने जो तरीक़ाकार बताया उसमें तो पैसे बचाने की कोई सूरत ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत बचता भी है शरई तरीक़ाकार के मुताबिक तो वो दावत इस्लामी के एहतियात में आ जाता है जी। तो इनको तो शायद कोई उजरत भी नहीं मिलती, इसकी उजरत वगैरह, दिली खुशी होती है कि हमने मुसलमानों की मदद की है, या फिर अगर कुर्बानी की खाल मिल जाएगी उस जानवर की तो हम दावत इस्लामी को जमा करवाएंगे, दावत इस्लामी के लिए खाल कर जमा करने का उनको एक मौका मिलता है। कोशिश ये होती है कि शरीयत के तरीक़ाकार के मुताबिक और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी से मुतालिक बाकायदा मदनी फूल बयान फरमाया है, इसका एक रिसाला भी मिलता है, जो ज़िम्मेदारान इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं उसको पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से इसकी बाकायदा तरबियत भी की जाती है, सिखाया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं मुल्क भर में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मुबल्लिगीन हैं, जो भी इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान ये काम सर अंजाम देंगे, इनकी तरबियत का सिलसिला हुआ, इनके इम्तिहानात भी लिए गए कई मकामात पर, और जो पास हुए उनको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लें तो अगर आपके इलाके में दावत इस्लामी के ज़ेर अहतमाम हो रही है और वो मदनी मरकज़ के ही तहत हो रही है तो आप वहाँ पर भी हिस्सा ले सकते हैं। बैरून मुल्क के जो हमारे नाज़रीन हैं पाकिस्तान से बाहर हमें सुन रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो इज्तिमाई कुर्बानी बैरून मुल्क वालों के लिए मुनाकिद की जाती है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। आपके जो ममालिक के ज़िम्मेदारान हैं उनके पास इसकी तफसीलात मौजूद होती हैं, कुर्बानी करवा सकते हैं, नायब बना सकते हैं यहाँ दावत इस्लामी को, उसके गोश्त का क्या मामलात होंगे, दीगर चीज़ों के क्या मामलात होंगे, ये ज़िम्मेदारान इंशाल्लाह आपको तफसीलात मुहैया कर देंगे। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अगर किसी का दम का हिस्सा है और वो हुदूद हरम में अगर कुर्बानी करता है तो मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जैसे कुर्बानी, अकीका और दम, ये एक बड़े जानवर में 7 हिस्से डाले जा सकते हैं। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जब दम होगा
तो वो दम की मसारिफ और दम का गोश्त जो है वो गनी तो नहीं खा सकता, जबकि कुर्बानी और अकीके का गोश्त जो है वो गनी खा सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा रहनुमा इरशाद फरमाएं कि यहाँ पर क्या सूरत होगी कि जब कि एक बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा भी है, अकीके का भी है, और फिर अपने एहराम की हालत में जो दम वगैरह होते हैं उस दम का हिस्सा भी है, तो यहाँ क्या सूरत होगी? मेरा सवाल किया और एहतियात पर मबनी सवाल है। इस सूरत में जैसे मुख्तलिफ़ कुर्बत की सूरतें हैं, अकीक़े का भी हिस्सा है और जो वाजिबी कुर्बानी ईद उल अज़हा की है वो भी, और एहराम में जो जिनायत जुर्म अगर हो जाता है महरिम से तो उसके कफ़ारे में भी दम के अल्फाज सुनते हैं कि तो वो एकदम लाजिम आता है, तो वह एकदम एक बकरी बांध करें या एक बकरी की जगह वो किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा ले लें। तो अब जो जानवर का गोश्त तकसीम होगा, तो बिलफर्ज अगर एक अकीके का हिस्सा शामिल था, पांच कुर्बानियां जो ईद उल अज़हा वाली हैं वो पांच हिस्से उसके शामिल हैं, ये छः हो गए, और एक हिस्सा किसी ने अपने दम के हवाले से उसमें शामिल करवाया, तो मदनी चैनल के नाज़रीन मसला सुन तो रहे हैं, लेकिन इतना जहन में रखें कि इज्तिमाई कुर्बानी जो यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में होगी, हरम की हुदूद से बाहर, मक्का पाक हरम से मुराद मक्का का हरम, मदीने का हरम नहीं, क्योंकि वहाँ भी हरम ही कहा जाता है। मस्जिद मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ जो हुदूद हरम है, हुदूद हरम है कि जब एहराम बांधा जाता है उम्रे के लिए जो मक्के में रहने वाले होते हैं, तो वो हरम की हुदूद से बाहर निकलते हैं, जैसे मस्जिद आयशा चले आते हैं, देबिया तनीम वगैरह, तो जो हुदूद हरम से बाहर के हिस्से हैं वहाँ इज्तिमाई कुर्बानी में अगर ये दम वाला हिस्सा शामिल किया तो दम की अदायगी नहीं होगी। हरम से बाहर की बात जी, उससे हुदूद हरम में कहीं भी, तो ये इज्तिमाई कुर्बानी जो हम एक मसला एक जो हमारे साहिल मोहतरम ने पूछा है कि इसमें दम का भी एक हिस्सा शामिल किया, तो हुदूद हरम में ही ये ऐसी इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा डालने से वो दम अदा होगा। तो अब ये है कि गोश्त का क्या करेंगे, तो जिस आदमी ने अकीके का एक हिस्सा लिया था वो अपना एक हिस्सा अकीके का वो ले लें, ठीक है, और उसके जो अहकामात हैं उसके मुताबिक अमल, तीन हिस्से उसके करें, इसी जिसने पांच हिस्से कुर्बानी के शामिल किए थे ईद उल अज़हा की, तो वो भी अपने मतलब जो पांच हिस्से हैं वो अलग से ले लें और उसका भी आगे करें, और जो ये दम कफ़ारे वाला है जिनायत एहराम की जुर्म की तौर पे जो कफ़ारे में दम लाजिम हुआ था, इसका जो एक हिस्सा है ये यूँ तीन हिस्सों में तकसीम नहीं होंगे, ये अग़निया नहीं खाएंगे, इसका हुक्म ये है कि ये गरीबों में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो हुदूद हरम में ये ज़बह हो गया, अब इसका गोश्त भले हरम के रहने वाले फ़ुकरा गरीब खाएं या बैरून हरम से आए हुए जो गुराबा हैं वो खाएं, या ये गोश्त बाहर भी दिया जा सकता हरम में फिरने पर उस जानवर की कुर्बानी जो होगी वो हुदूद हरम में होगी, ठीक है। बाद लोग हुदूद हरम से मुराद ये मस्जिद हराम का एरिया नहीं है, यानी मक्का पाक के शहर को जो हुदूद हरम जिसको हिस्सा करार दिया, मस्जिद के अंदर तो लोग ऐसे होते हैं पैकेजेस में कुर्बानियां शामिल नहीं होती, तो वो खुद से कर रहे होते हैं कुर्बानी, तो बड़ा जानवर भी जो कुर्बानी करनी होती है हज की ज़बह करना होता है, तो उसमें आप दम का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, अकीके का भी कर सकते हैं, और अपनी जो अगर गनी होने की सूरत में आप मुसाफिर नहीं है उसकी जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, हज की भी उसमें शामिल हो सकती है, एक ही जानवर में चार चार तरह की, और इसाले सवाब के लिए भी एक हिस्सा डाल सकते हैं अगर कोई ऐसा हिस्सा डालना चाहते हैं, पाँच हिस्से तो हमने कर दिए, तो दो हिस्से और भी इसाले सवाब के लिए डाले, दीगर अफराद हैं तो किया जा सकता है, लेकिन वो अगर दम का हिस्सा उसमें शामिल हो गया तो अब वो हुदूद हरम में ही ज़बह होगी, हज की जो कुर्बानी है वो भी अगर शामिल हो गई तो वो जानवर हुदूद हरम में ही ज़बह होगा, वहाँ गरीब मिल जाते हैं हुजूर, दुनिया में गरीब कहाँ नहीं है, सब जगह ठीक है, इंशाल्लाह तलाश करेंगे तो उनमें ये तकसीम किया जाए, जो काम काज के लिए लोग गए होते हैं उनमें से भी कई ऐसे होते हैं कि शरई फ़कीर होते हैं, ये मालूमात आपको लेनी पड़ेंगी, उसको भी आप दे सकते हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मोहम्मद बिलाल अतारी फिरोज वाला से अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बारगाह मेरा यह सवाल है, कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना जायज है? कब तक खाना जायज है, ये इरशाद फरमाने कुर्बानी का गोश्त तब तक फिर हम जब तक सड़ ना जाए, ठीक है, खाने के काबिल हरम तक भी रहता है गोश्त, खाया जा सकता है, फ्रिज जो फ्रीजर भर लेते हैं जी, स्पेशल इन दिनों में फ्रिजों की कीमत भी बढ़ जाती है, आपके इल्म है, और बाकायदा कुर्बानी के लिए खरीदे भी जाते हैं कि सारा ही उसमें डंप किया जाता है,
तो आप कब तक चलाएं उसको? देखें, जब तक खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए, उस वक्त तक तो खा सकते हैं। और कोई भी इतना लंबा इसको रोकेगा नहीं कि कुर्बानी के गोश्त यूं नाराज हो जाए। तो अब यह है कि जब तक वो खाए जाने के काबिल है, अब उसका जो भी टाइम पीरियड हो, ठीक है। बल्कि एक हदीस मुबारक मुझे याद आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों के पहले कुछ मखसूस दिन मुकर्रर कर दिए थे कि इतने दिनों के अंदर अंदर इसके गोश्त को तकसीम कर लें, ठीक है, यानी खत्म कर। लेकिन बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर इसमें टाइम पीरियड बिल्कुल रुखसत दे दी। यहाँ तक के जो अल्फाज हदीस मुबारका में बयान किए गए उसका जो मजमून खुलासा ये है कि अगले ज़िलहिज्जा तक भी, अच्छा, अगर कोई कुर्बानी का गोश्त अगले ज़िलहिज्जा तक भी चला सकता है तो अगले ज़िलहिज्जा तक भी खा सकता है। तो फ्रिज यही नहीं, तो अब गोश्त को महफूज रखने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से गोश्त को सुखाया जाता है, ठीक है। तो पहले दौर में भी अगर कोई बकरा दबा करता था या कोई बड़ा जानवर तो एक दिन में तो नहीं खा सकता था। तो ये इस गोश्त को महफूज रखने के, अगर हम अगर पीछे जाएं माजी में, अपनी ही माजी में, अपने ही खानदान या कुछ बड़े बूढ़ों को देखें तो ये बकायदा गोश्त की लड़ियां ये बना बना के इसमें कोई नमक मसाला कोई इस तरह की चीजें लगा के ये सुखा दिया करते थे। अच्छा, अब ये कई कई हफ्तों तक ये गोश्त ये सूख गया लेकिन जब इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो इसको धोया जाता था तो दोबारा फ्रेश हो जाता था। कोई ना कोई तरीका होगा, तरीके याद हुए जब बिजली नहीं थी। मतलब ये यूं समझें कि सुस्ती और काहली के एतबार से ये हमारे पास ये आला आ गया कि हम बआसानी वक्त कोई भी चीज़ बचानी हो इधर रख देते हैं, वरना किसी भी चीज़ को महफूज करने के लिए कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आजकल हमसे होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब किसी को वो तरीके मालूम नहीं है कि गोश्त को किस तरह महफूज किया जाता है। हो सकता है ये बात भी बहुत सारों के लिए जो नई जनरेशन है उनके लिए नई हो कि गोश्त को सुखा कर भी लड़ियां बना बना कर भी उसके तराशे कटते थे तो उसको इस तरीके से भी महफूज किया जा सकता है। जहाँ जो हदीस पाक के जो अल्फाज है वो तो शायद ये बताना मकसूद नहीं कि जितना चाहे रखे, मुराद ये है, मकसूद ये है, असल मकसूद ये है कि इसको जितना आइंदा कुर्बानी का गोश्त फिर तो नया आ ही जाएगा, तो मकसद मुराद ये है कि इसको जितना लंबा टाइम पीरियड नहीं है, इसका टाइम पीरियड नहीं है कि इतने अरसे में ही खत्म करना है। बाज लोग ये जो मुहर्रमुल हराम से पहले पहले खत्म हो जाए ये जबरदस्ती की कैद अपनी तौर पर कोई बढ़ा रहा है, शरण ऐसी कोई कैद नहीं है, ठीक है। ये मुहर्रमुल हराम की नियाज वगैरह में भी कुर्बानी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इंशाल्लाह मजीद भी हम पूछेंगे कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुर्बानी से मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं। सिलसिले का वक्त खत्म हो चुका, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रजा है, रब की रजा है।